आपका स्वागत है अद्विकास किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं तोरई की मसालेदार सब्जी। ये हमारी जो हम छोटे पीस में काट करके जो बनाते हैं तोरई की सब्जी, उससे थोड़ी अलग है। चूँकि हम इसमें मसाले ऐड कर रहे हैं, इसका स्वाद भी थोड़ा अलग आता है। बट हाँ, हम इसमें बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे, बहुत थोड़े मसाले, बट स्वाद बहुत अच्छा होगा। इसके लिए हमने लिया है 3 बड़े साइज़ की तोरई, आप देख सकते हैं। आप इसे छील लीजिए और धो लीजिए। धोने के बाद आप इसे छोटे छोटे पीसेस में गोल गोल काट लीजिए। आप देख सकते हैं, इस तरह से आप इसे काट सकते हैं। आपको ग्रेवी के लिए 2 प्याज चाहिए, 2 टमाटर चाहिए, 10 से 12 लहसुन की कलियां और 1/2 इंच का अदरक का टुकड़ा। उसके बाद आपको ग्रेवी के लिए एक पेस्ट बनाना है, जिसमें आपको अदरक, लहसुन, टमाटर और प्याज, इसके साथ आप जीरा भी डाल दीजिए और धनिया डाल दीजिए। 2 चम्मच जीरा और 2 चम्मच धनिया इसमें आप डाल के एक ऐसा पेस्ट बना सकते हैं। ये पेस्ट हमें ग्रेवी के लिए काम आएगा। हमने लिया है 2 चम्मच मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच धनिया, कसूरी मेथी और 2 चम्मच जीरा। इसमें से धनिया और जीरा हमने अपने पेस्ट में ऑलरेडी डाल दिया है। अब हम एक कढ़ाई में 4 चम्मच तेल लेंगे। जब हमारा तेल थोड़ा गर्म हो जाता है, तब हम इसमें कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। कसूरी मेथी थोड़ी भुन जाए, उसके बाद आपने जो अदरक लहसुन और टमाटर का जो पेस्ट बनाया था, आप इसमें डाल दीजिए इस तेल में, और चम्मच से इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए और थोड़ी देर इसे तेल में भुनने दीजिए। चूँकि ये कच्चा है अभी, तो इसे हम थोड़ी देर तक के तेल में भुनेंगे। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे ये भुनता जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। जैसे ही आप देखेंगे कि तेल अपनी सतह छोड़ रहा है, आप समझ जाएंगे कि ये मसाला जो है आपका भुनकर तैयार हो गया, जो आपने पेस्ट बनाया था। अब हम इसमें जो मसाले लिए थे वो हम इसमें ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच हम हल्दी डाल देंगे जो बचे हुए थे, 1.5 चम्मच हमने नमक लिया था वो भी डाल देंगे। इसमें हमने 2 चम्मच लाल मिर्च ली थी, वो लाल मिर्च भी डालेंगे। आप कश्मीरी लाल मिर्च भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसे आप अच्छे से इस पेस्ट में मिला दीजिए और आपका मसाला बनकर तैयार है। आपको इसमें ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करने हैं, आपने सिर्फ इसमें थोड़ा गरम मसाला जो आप बाद में ऐड करने वाले हैं, उसके अलावा आपने हल्दी मिर्च जो आप अक्सर डालते हैं, इसके अलावा आप और भी कोई मसाला इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। बट फिर भी चूँकि हम इसे थोड़े दूसरे तरीके से बना रहे हैं, इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। आप देख सकते हैं कि इसका कलर इन मसालों के मिलने के बाद बहुत अच्छा आ गया है। अब ये भून करके तैयार है। अब आप इसमें आलू और जो तोरई आपने काट रखे थे वो आप इसमें डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिला लीजिए। क्योंकि आलू और तोरई हमारे कच्चे हैं और इसमें मसाला इसमें है नहीं, क्योंकि हम भरवा तोरई तो नहीं बना रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल है, बट फिर भी मसालेदार है, इसीलिए बहुत अच्छी लगेगी। तो आप इस मसाले को इस तोरई और इस आलू में अच्छी तरह से मिला लीजिए चम्मच की सहायता से। आप इसे अच्छे से मिला करके इसे थोड़ी देर तक जब भून लेंगे, तब तोरई थोड़ा थोड़ा पानी जब छोड़ती है तो वो उसके गलने में बहुत हेल्प करेगा। साथ साथ में जो आलू हैं आपके वो भी पकने लगेंगे। आप देखेंगे कि इसे 5 से 7 मिनट तक जब आप ढक्कन बंद करके इसे भून लेंगे, तो ये बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा। उसके बाद हम इसमें फिर पानी ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने 5 से 7 मिनट तक इसे रख दिया। अब आप देखिए, इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी निकल चुका है और वो बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। फिर भी हम इसे और थोड़ी देर तक के पानी मिला करके, 200 ml तक के हमने पानी मिलाया है, और उसके बाद हम फिर से इसे 15 मिनट तक के लिए पका लेंगे, ताकि सारे मसाले एक साथ इसमें मिल जाएं और सारे जो ग्रेवी है हमारी वो कंसिस्टेंट हो जाए और बहुत अच्छी तरह से पक जाए। बस आप 15 मिनट के बाद देखिएगा कि ये सब्जी बनकर तैयार है। आपने जो मसाला लिया था वो मसाला इसमें डाल दीजिए और इस मसाले को अच्छे से मिला दीजिए, और आप देखेंगे कि आपकी जो तोरई की मसालेदार सब्जी है वो बनकर तैयार है। ये दिखने में थोड़ी अलग दिखती है, हमारी जो अक्सर बनाने वाली जो हमारी तोरई होती है उससे थोड़ी अलग है। उसका स्वाद भी बहुत अच्छा है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, आपकी सब्जी बनकर तैयार है। चूँकि ये दिखती बहुत अच्छी है, आपके घर अगर कोई मेहमान है तो आप तब भी बना सकते हैं। आप इसे सर्विंग बाउल में निकाल लीजिए और चाहें आप इसके ऊपर धनिया डाल सकते हैं, या चाहें तो आप इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। हमने इसमें थोड़ा थोड़ा धनिया मिलाया है। आप देख सकते हैं कि सब्जी का कलर और सब्जी की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही स्वादिष्ट है।
धन्यवाद।